प्रणाम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप एंड स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस चैनल प्रदीप कुमार पाइक ऑफिशियल पर। हाँ दोस्तों, इस चैनल में ज्यादातर मैं म्यूजिक रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूं और इस वीडियो के थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि आज की वीडियो की टॉपिक क्या है। हाँ दोस्तों, आसानी से पियानो हारमोनियम कैसे बजाया जाए इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हूँ। अगर आप पियानो कीबोर्ड या हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी जो दोस्त पियानो कीबोर्ड या हारमोनियम सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। हाँ दोस्तों, ये एक कीबोर्ड है, ये केसियो कंपनी का CTX 700 मॉडल है। कई लोग इसे सिंथेसाइजर भी बोलते हैं, कीबोर्ड सिंथेसाइजर। और इसके जो नोट्स है हारमोनियम के नोट्स के साथ मिलती जुलती है। कीबोर्ड बजाना सीखने से पहले हमें कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानने पड़ेगी। और नॉलेज क्या है, म्यूजिक में एक वर्ड रहता है सप्तक, ऑक्टेव। ये ऑक्टेव क्या होता है, क्या होता है ऑक्टेव? जैसे कि ये जो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सात स्वर रहते हैं, ये जो सात स्वर होते हैं इसको एक ऑक्टेव कहा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी, इसे हम शास्त्रीय संगीत में इसे बोलते हैं पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली एंड पांचवी काली। पांचवी काली और ये जो पहली काली से सात, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सात सुर रहते हैं इसको बोलते हैं ऑक्टेव। और इसके इसे बोलते हैं मिडिल ऑक्टेव। मिडिल ऑक्टेव से पहले जो सात सुर हैं, जैसे ये पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली, इसे भी सा रे गा मा पा धा नी, ये जो सात सुर रहते हैं इसे बोलते हैं लोअर ऑक्टेव। ये जो मिडिल ऑक्टेव की लो में जो ऑक्टेव रहता है, सात सुर रहता है, इसे बोलते हैं लोअर ऑक्टेव। यह है लोअर ऑक्टेव, यह है मिडिल ऑक्टेव। एंड ये मिडिल ऑक्टेव के ऊपर ये सा रे गा मा पा धा नी, ये है हायर ऑक्टेव। यह है मिडिल ऑक्टेव, यह है हायर ऑक्टेव एंड ये है लोअर ऑक्टिव। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आप मिडिल ऑक्टिव क्या होता है, लोअर ऑक्टिव क्या होता है, हायर ऑक्टिव क्या होता है आप जान गए होंगे। और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसे वीडियो नए नए वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। जय हिंद।